समय सर्वशक्तिशाली है, परंतु सत्य उससे भी अधिक बलवान। हम सब कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, किसी ना किसी भय से सत्य को छुपाने का प्रयास करते हैं, और यही कहीं ना कहीं सबसे बड़ा अधर्म हो जाता है। जिस प्रकार ज्वालामुखी अंततः भूमि का बंधन तोड़कर बाहर आ जाता है, उसी प्रकार सत्य भी एक दिन सामने आ ही जाता है। चूंकि नियति सत्य को समक्ष लाने का मार्ग ढूंढ ही लेती है। सत्य उस सूरज की भांति है जिसे असत्य के घने मेघ ढक नहीं सकते। नियति नामक वायु असत्य के घने मेघ को हटा के सत्य के सूरज को प्रकाशित कर ही देती है। असत्य रूपी अधर्म पर सत्य रूपी धर्म की विजय निश्चित है। महाराज, मेरा आपसे निवेदन है कि आप उन्हें मुकुट पहना दें। क्या तुम्हारे पास कोई साक्ष्य है अंगराज? महाराज, जो मेरे बाणों को काट सके वो केवल अर्जुन के ही बाण हो सकते हैं। और जो मित्र दुर्योधन को ललकार सके वो केवल भीम ही हो सकता है। ये भी केवल तुम्हारा अनुमान है कर्ण, मैं साक्ष्य की बात कर रहा हूं। कभी कभी अनुमान भी सत्य सिद्ध होते हैं महाराज। मेरा प्रश्न ये है विदुर, यदि पांडव जीवित हैं तो वो अभी तक हस्तिनापुर क्यों नहीं आए? इतने समय तक छिपे क्यों रहे? क्या कोई उत्तर है तुम्हारे पास? यदि किसी के पास इस बात का उत्तर नहीं तो मेरे सामने प्रश्न खड़ा करके समय व्यर्थ ना करें। तो मेरा निर्णय है कि दुर्योधन का राज्य अभिषेक होगा।
अनुमान ही नहीं कि तुम्हें देखकर मेरे मन से कितना बड़ा भार उतर गया। यह अनुभूति एक शूल की भांति मेरे मन में चुभ रही थी कि जिन प्रिय पांडु पुत्रों को मैं अपने उत्तरदायित्व पर हस्तिनापुर लाया था उनकी रक्षा नहीं कर पाया। इस समय तुम सबको सकुशल देखकर तुम अनुमान नहीं लगा सकते कि मुझे कितनी प्रसन्नता हो रही है। आपको प्रसन्न देख हमें भी प्रसन्नता हुई पितामह। हस्तिनापुर में स्वागत है युवराज। धन्यवाद विदुर काकाश्री, आप हमारे साथ नहीं थे परंतु आपकी मंगल कामना सदैव हमारे साथ थी। मेरे पुत्रों, ईश्वर की महान कृपा है कि तुम सब सकुशल हो। अब मैं मृत्यु उपरांत अपने भ्राता पांडु को अपना मुख दिखा सकूंगा। पिता श्री को सदैव अपने ज्येष्ठ भ्राता श्री पर गर्व रहेगा। महाराज, पांडवत में आपके पुत्र दुर्योधन ने जो हमारे स्वागत के प्रबंध किए हम कभी नहीं भुला सकते। पुत्र युधिष्ठिर, एक प्रश्न मेरे मन को व्यथित कर रहा है। तुम सब जब वर्णावत की दुर्घटना में सुरक्षित थे तो हस्तिनापुर क्यों नहीं चले आए? बताओ पुत्र, तुमने हमें कोई संदेश क्यों नहीं भेजा? युधिष्ठिर, इतना मैं जानता हूं कि भयभीत तुम किसी से हो नहीं और असत्य तुम कहोगे नहीं। बताओ, हम आपको कष्ट नहीं देना चाहते थे पितामह। परंतु कुछ दिनों के लिए किसी को संतोष देना चाहते थे। का तात्पर्य यह है कि हम माता श्री को संतोष देना चाहते थे क्योंकि माता श्री हस्तिनापुर में नहीं आना चाहती थी। परंतु क्यों पुत्री कुंती के मन में यह विचार क्यों आया? क्योंकि मैं चाहती थी मेरे पुत्र सामान्य जीवन जी।
राजसी जीवन और राजनीति से मेरा मन विरक्त हो चुका है दाजी। तो लौटी क्यों? वन में भटकती रहती, मन विरक्त हो गया था। पुत्री कुंती, मैं इस बात से परिचित हूं कि पुत्र पांडु के स्वर्गवास के पश्चात तुम्हारा मन विरक्त हो गया है, परंतु इस कारण तुम अपने पुत्रों को उनके प्रारब्ध से वंचित तो नहीं कर सकती। हस्तिनापुर को उसके भविष्य से वंचित नहीं कर सकती। कुंती पुत्री, सिंह बछड़े की भांति नहीं जी सकते, उन्हें वन का राजा बनना ही होता है। यदि तुमने यहां आने में थोड़ा विलंब किया होता तो यहां घोर अनर्थ हो जाता। मैं अपने पुत्र को अनर्थ से दूर रखना चाहती थी, इसलिए हम नहीं लौटे ताजी। जब तक भीष्म जीवित है, मेरे पुत्रों का कोई अनर्थ नहीं हो सकता। यदि कोई अनर्थ का वाण उनकी ओर आएगा तो उसे सर्वप्रथम भीष्म की ढाल का सामना करना होगा। अंत भला तो सब भला। हस्तिनापुर अपने भविष्य का स्वागत करता है। किंतु ये तो बताओ पुत्रों, वारणाव्रत से जाने के पश्चात क्या हुआ? कहां रहे तुम लोग? होना क्या है, सूर्य के तेज को मेघ कब तक रोकेगा? अंगराज ने अभी बताया किस प्रकार अर्जुन ने अपने पौरुष और कौशल का प्रदर्शन किया और स्वयंवर में पांचाली को जीत लिया। हस्तिनापुर की कुलवधू कहां है? उसे संग नहीं लाए। देवी पांचाली, पितामह तुमसे मिलना चाहते हैं।
महान योद्धा गंगापुत्र परशुराम शिष्य और अपने श्वसुर पितामह को याज्ञसेनी द्रौपदी का प्रणाम स्वीकार। अपने परिचय के लिए जिन शब्दों का चयन तुमने किया है यज्ञसेनी, उससे तुम्हारे गुण, तुम्हारा ज्ञान, बड़ों का आदर और तुम्हारे चरित्र की श्रेष्ठता सिद्ध होती है। कदाचित इसलिए तुम्हारा वरण करके मेरा पौत्र ये भूल गया कि विवाह के पश्चात वर वधू को आशीर्वाद साथ लेना चाहिए। धर्मराज, आपका मुख मलिन क्यों हो गया? अर्थात कुछ कहना चाह रहे हो? अर्जुन, आशीर्वाद लेने के लिए आगे नहीं बढ़ोगे? परंतु पितामह, पंचाली केवल अर्जुन की पत्नी नहीं है। ये कैसा उपहास है पुत्र? अर्जुन ने पांचाली का स्वयंवर जीता है, उसका वरण किया है। परंतु पांचाली से हम पांचों ने विवाह किया। कैसे इस युधिष्ठिर का मुकुट छीनता हूं मैं? ये क्या कर दिया तुम लोगों ने? ये क्या कर दिया? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.